पंडित श्यामलेश तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। पंडित जी, जिस तरीके से रामलला का मंदिर जो बन रहा है, वहाँ पे रामलला की पूजा पाठ अभी तक जो भक्त हैं वो करते आए हैं और अभी बाल स्वरूप में रामलला की पूजा पाठ होती रही है, पर अब जो नया मंदिर बन रहा है उसमें ये कहा जा रहा है कि थोड़ी उम्र बड़ी 5-6 साल के रामलला इस तरीके से हमको देखने को मिलेंगे। और क्या क्या रहेगा उस मंदिर में और किसके किसके जो भक्त हैं वो दर्शन कर सकेंगे, क्या पूरा स्वरूप रहने वाला है? तो देखिए, ये तो वहां के जो संतगण हैं उन लोगों का निर्णय है और हमारे जो इस तीर्थ क्षेत्र के जो महामंत्री माननीय चंपत राय महोदय हैं और ये जो विद्वान लोग हैं, सबका निर्णय है कि जो जिस परंपरा का वहां पर अब तक पूजन हो रहा था उसी बाल रूप का ही जो है वहां पर पूजन होगा। ठीक है, पर हमारे अयोध्या के जो पीठाधीश है, जो हमारे रामलला, तो अब राम राज्य दुख का होना व्यापा, तो अब राज्य कैसे होगा? तो उसमें हमारे राज्य बिना मैया के, बिना जनक नंदिनी के बिना कैसे कार्य संपन्न हो पाएगा? तो मैया जो है तो का जो है वहां पर मैया का भी जो है स्थापना हमारे आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के साथ जो है स्थापित होना है, क्योंकि मैंने जो राम रक्षा स्तोत्र का जो अंतिम श्लोक है जी, एक बार फिर से एक बार दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य स्तम्भे रघुनंदनम। मैं किस प्रकार के रघुनंदन का पूजन करूं, वंदन करूं, आराधना करूं? तो दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, जिनके दाहिने भैया जी हमारे विराजमान है शेषावतार लक्ष्मण जी महाराज, वामे च जनकात्मजा। तो यहां पर एक विशेष जनकात्मजा ही क्यों कहा गया? सीता भी कहा जाता, जानकी भी कही जाती जनक, लेकिन जनकात्मजा कहने का आशय यहां पर बड़ा एक दार्शनिक पक्ष है। जनक, राजा जनक विदेह थे, ये शरीर में शरीर रहते हुए भी वो बिना शरीर के, बिना किसी लिप्सा से कोई भाव करते थे। तो ऐसे जनक की आत्मजा मतलब हृदय की टुकड़ा, हृदय की टुकड़ा जो उसीलिए उनको वहां पर जनक आत्मजा कहा गया है। तो वहां पर, यहां पर देखिए मर्यादा का भगवान राम के ही उसमें जीवन में नहीं है, हमारी मैया के भी जीवन में बहुत अद्भुत स्वरूप है उनके। बिल्कुल ठीक है ना। तो जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य, तो सामने नीचे जो है जो हमारे हनुमान जी महाराज विराजमान है, ऐसे रघुनंदन का मैं पूजन वंदन आराधन मैं करता हूं। यह पूर्ण संपूर्ण यह जो स्वरूप है इसका जो है ऊपर में इसका प्राण प्रतिष्ठा और इसका सारा कार्य दर्शन के लिए हमारे भक्तों के लिए जो अयोध्यापति राम का जो स्वरूप है वह ऊपर दर्शन होगा, हमारे नन्हे नन्हे लल्ला का जो दर्शन नीचे होगा, जिसकी हम आप सब 22 तारीख की प्रतीक्षा करने वाले हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे मैं विदा चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो श्यामलेश तिवारी जी ने बताया किस तरीके से जो रामलला है वो कहाँ प्राण प्रतिष्ठित होंगे और इसके साथ ही साथ जो पूरा का पूरा राम दरबार है, भक्तगढ़, मैया के दर्शन कहाँ कर सकेंगे, लक्ष्मण जी के दर्शन कहाँ सर हो सकेगा, ये तमाम जानकारियां उन्होंने दी।